सलाम बेटा, कैसे हैं आप लोग? तबीयत कैसी है? अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से। बेटा, एक सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो है ना पूरी आधे मिनट का लेक्चर देखता है, फिर एक मिनट का लेक्चर देखता है, और वो पूरे आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे। आप लोगों को आप लोगों का शेड्यूल भी आ गया है और आपका नोटिफिकेशन भी कुछ ग्रुप में शेयर हुआ हुआ है, तो उन्होंने जो बोर्ड वालों ने डेट दी है वो 7 मई की जो है आपके एग्जाम की डेट भी आई है। अब ये देख लो कि आप लोग कितना सीरियस होकर लेक्चर दे रहे हैं। बेटा, लेक्चर लोगे, कुछ पढ़ोगे, टेस्ट दोगे तो वो होगा। हाँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समझ नहीं आ रही, किसी को कुछ वो है, तो आप कॉलेज आ जाए, मतलब ग्रुप बना लें, ज़्यादा नहीं है, 5-6 के स्टूडेंट बना लें, 7-8 के स्टूडेंट बना लें, जो चीज़ आपको उन्हें समझ नहीं है वो आप लोग आगे समझ लें, वायर कॉलेज में आ जाएँ। तो आपने जिसने भी आना होगा, वो फर्स्ट जो 3 डेज हैं वो बॉयज के लिए हैं, लास्ट जो 3 डेज हैं यानी अब से इससे जुमेरात जुमा और हफ्ता जो है वो गर्ल्स के लिए मखसूस है। आप लोग जो भी विटामिन है किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप लोग भेज दें, लेकिन आप लोगों ने याद तो करना है। अगर 7 मई को मई में ही पेपर शुरू हो जाते हैं तो अगर जनवरी तक देंगे कॉलेज बंद होते हैं तो फिर आप लोग कैसे तैयारी करो? जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा संजीदा हो जाए, आप लोगों का अपना फायदा है। लेकिन बेटा, आज हम पढ़ रहे हैं, चाय कर रहे हैं, ये हमारे पास है सीमेंट है, याद होगा 15 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 है, ये आप लोगों को होगा चैप्टर नंबर बेटा 15 है। देखिए, आज हमारे पास टॉपिक है सीमेंट का। सीमेंट का हर बच्चा वाकिफ है कि सीमेंट क्या होती है। देखिए बेटा, सीमेंट जो है हम बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, मकान बना रहे हैं सीमेंट इस्तेमाल हो रही है, कोई पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हैं, ये स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, ये सारी सब सीमेंट इस्तेमाल हो रही है। हत्ता कि हर जगह जो है ना वो सीमेंट, हम छोटी छोटी जो दीवार बनाते हैं उसके अंदर भी सीमेंट का इस्तेमाल है। ये सीमेंट हमारी ज़िंदगी में इसे बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर रही है। अब देखिए, बहुत आसान से पहले हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि सीमेंट की हिस्ट्री क्या थी। ये बड़ा आसान सी है स्टोरी टाइप है। एक मेसन था जोजन, उसने सबसे पहले जो है ना उसने इसको तैयार किया। वो कैसे तैयार किया? लेकिन बेटा, उसने सबसे पहले जो था हमारे पास लाइमस्टोन और क्ले। लाइमस्टोन आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी के ये लाइमस्टोन और क्ले। क्ले किसको कहते हैं? मिट्टी। उसने पहले इसको हाई टेम्परेचर का हीट किया। किसको बेटा किया? लाइमस्टोन को और क्ले। उसने हाई टेम्परेचर पर उसको हीट किया। हीट करने के बाद उसने उसके अंदर जो है वो वाटर मिक्स कर दिया। जब वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करने के बाद उसने उसको कुछ देर के लिए रहने दिया, वहां पे ही खड़ा होने दिया ताकि उसका रिजल्ट देख सके। जब उसने देखा कुछ देर बाद वो हार्ड हो गया, पत्थर की तरह, स्टोन की तरह जो वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। किस चीज को मिक्स किया था? लाइमस्टोन को और बेटा किसको? क्ले, क्ले का मतलब मट्टी। मट्टी को उसने मिक्स किया, पहले हीट किया, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हीट किया, फिर उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसको खड़ा होने दिया, वो स्टोन की तरह यानी पत्थर की तरह बन गया। और वो पत्थर जो था उसने देखा कि एक इंग्लैंड की मशहूर बिल्डिंग थी उससे वो पत्थर मिलता जुलता था। उस पोर्टलैंड बिल्डिंग थी, वो पोर्टलैंड बिल्डिंग जो थी वो पोर्टलैंड रॉक से बनी हुई थी, खास किस्म के पत्थर से बनी हुई थी। उसने देखा कि ये जो उसके पास हार्ड मटेरियल हासिल हुआ है वो उसी से मुशाबियत रखता है, पोर्टलैंड रॉक से मुशाबियत रखता है, उससे सिमिलैरिटी रखता है। इसी वजह से इसका नाम उन्होंने क्या रखा? पोर्टलैंड सीमेंट। हाँ, समझ आ गया? यानी ये किस चीज को उसने किया? लाइमस्टोन को और क्ले को, हाई टेम्परेचर पर उसने वो किया। करने के बाद उसने उसको पानी मिक्स करके रख दिया तो वो सख्त हो गया। उससे जो है उसको वो हो गया कि अगर हम इसी को इसी तरीके से आम रूटीन में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी पत्थरों के ऊपर रख के दरमियान में वो भी सख्त हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम ईंटों के दरमियान में उसको रख देते हैं, यानी ईंटों मिक्स करके रख देंगे, तो इसका मतलब वो भी सख्त हो जाएंगे, वो भी एक ही होमोजीनियस एक जैसी वो बन जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, वहां पर जो है वो फिक्स हो जाएंगे। उसने वहां से जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट का उसी को नाम दिया गया। ये इसके बाद एक बार बात आता है तो हम आपको पता है लोअर पास है 500 कुछ रुपए की जो है एक बैग की सूरत में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये बात लोअर पास में हर जगह इस्तेमाल भी हो रही है। अब इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या, ये हम सीमेंट को डिफाइन कैसे करें? देखिए, इससे मटीरियल और मेन बात है बर्निंग, यानी वो मटीरियल जो हमने बर्निंग से यानी जलाने से आप किसका है इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब होता है जंग जान करीबी जिगरी जो होते हैं, यानी इसका मतलब मिक्सचर जो था वो करीबी जिगरी का मतलब ये था आप अपने पूरे
मिनिस्टर बना हुआ था उसको उसने क्या किया, उसको जलाया। कौन सा मिनिस्टर था? एक डॉक्टर केलियस था और एक जो है वो अर्गिलस था। ये दोनों मिनिस्टर को उसने जलाया। अब केलियस क्या होता है, अर्गिलस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उसको उसने हीट किया। हीट करने के बाद जो हासिल होता है वो क्लिंकर होता है। क्लिंकर को फिर हम ग्राइंड करते हैं, ग्राउंड होता है, ग्राउंड पीसा जाता है, फिर पीसने के बाद फाइन पाउडर हासिल होता है, उसे हम सीमेंट कहते हैं। हम इसे मजा के बाद बेटा यहां पर यानी मटेरियल जो हमने बर्न किसको जलाया था, कैल्केरियस को और अर्गिलस को, इन चीजों में मटेरियल को जलाया था, जो मटेरियल हमारे पास हासिल हुआ था उसे हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर के बाद उसको जो हम फिर ग्राइंड करते हैं, फिर जो फाइन पाउडर हासिल होता है वो क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है। ये इसी होगी सीमेंट की डेफिनेशन। अब कैल्केरियस कौन सा होता है, देखो बेटा ये सिद्धांत के इस्तेमाल होते हैं। कैल्केरियस होता है, कैल्केरियस में लाइमस्टोन होता है, वही हमारा लाइमस्टोन है, ये कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम का लाइमस्टोन होता है। इसी तरह चाक होता है, मैरीन शैल जो होंगे, मैरीन आप जानते हो, ये मैरीन शैल जो है उनके वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, उनको जरूरत अपना उनसे हमने हासिल किया, क्योंकि हमने असल में कैल्केरियस से क्या हासिल करना था, कैल्शियम ऑक्साइड हासिल करना था, CaO हासिल करना था, जो कि हमने लाइमस्टोन से, चौक से, मैरीन शैल से इसको हमने क्या किया, हासिल किया। बात समझ में आई, इसको हीट किया, हीट करने से ये हमारे पास हासिल हो गया। इस वक्त एरियस में ये क्या था, क्ले, इसमें कौन सी चीज शामिल होती है, क्ले होगी, मट्टी होगी, आगे सैल हो गया, यानी ये स्लेटी किस्म का पत्थर होता है, स्लेटी रंग है, जिसकी एक परत होती है, ये अपना पत्थर होता है, इसके बाद स्लेट है, स्लेट यानी वो पत्थर जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं, वो उसने इस्तेमाल किया। इसके बाद ब्लास्ट फर्नेस होती है, भट्टी सी होती है, जिसके अंदर इनको सारे चीजों को जलाया जाता है। ये हमारे पास सारी चीजें इनसे, दरअसल इनसे देखिए लाइमस्टोन से, चाक से और मैरीन से हमने कैल्शियम ऑक्साइड हासिल किया, और इसके बाद इसी तरह एल्गस से हमने जो है एल्गिनेट और सिलिकेट हासिल किए। आप बोलते हैं एल्गिनेट मुख्य किस्म के होते हैं, कैल्शियम एल्गिनेट भी होता है, सोडियम एल्गिनेट भी होता है, सिलिकेट भी है, कैल्शियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, वो मुख्य यहां से इन चीजों से ये दोनों चीजें हासिल की। कौन सी चीजें बेटा हासिल की, एल्गिनेट और सिलिकेट हासिल की। इनसे हमने क्या हासिल किया, कैल्शियम ऑक्साइड हासिल किया, ये हमारे पास था। इसमें तीसरी चीज जो है हम जिप्सम मिक्स करते हैं, जिप्सम ये होता है कि सेकंड टाइप बढ़ा देते हैं, यानी एकदम ये नहीं है हम पानी को मिक्स करके रखे और फौरन जो है वो सॉलिड में निक्षार कर ले, इसको हम इसी प्रिपरेशन में इसका पूरा फंक्शन पढ़ेंगे कि इसमें हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया। इसी बात में इसका होता है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी हम सीमेंट तैयार कैसे करते हैं। ये दो प्रोसेस होते हैं सीमेंट तैयार करने के, एक होता है हमारे पास ड्राई प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है। कौन से प्रोसेस होते हैं, एक ड्राई प्रोसेस हो गया, दूसरा कौन सा होता है, वेट प्रोसेस होता है, एक ड्राई प्रोसेस, दूसरा वेट प्रोसेस। अब देखिए ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस क्या होता है, ड्राई मतलब होता है कुछ, यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसको पहले ग्राइंड किया जाता है, पहले तोड़ा जाता है, उसके अंदर भी बाकी वगैरह मिक्स नहीं किया जाता, उसको डिस्कवर्ड भी होते हैं, एक तो मैनोग्राफ्यूल ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरी बात ड्राई प्रोसेस की बात, दूसरे डस्ट बहुत ज्यादा पैदा होती है ड्राई प्रोसेस से क्या करने में, और दूसरा वेट प्रोसेस है, ड्राई कौन सा था, ड्राई प्रोसेस, दूसरा कौन सा है, वेट प्रोसेस। और ड्राई प्रोसेस में यह है ना कि उसको विद और वाटर मिक्सिंग के वर्बल मास्टर को उसको तोड़ा जाता है, यानी उससे डस्ट ज्यादा पैदा होती है, एनर्जी फ्यूल ज्यादा प्रदर्शन ज्यादा होती है वहां पर, और दूसरा है वेट प्रोसेस है, पाकिस्तान में बड़ा वेट प्रोसेस समझा कि हाँ। अब दरअसल ये होता है, ये इनमें से दोनों प्रोसेस मिले, ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस, यानी आप ये जरूर नहीं कि हर जगह ही वेट प्रोसेस हाँ कहते, यानी वहां पर कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्लाइमेट, यानी उस जहां फैक्ट्री इंस्टॉल की गई है, जहां पर हमने सीमेंट का प्लांट लगाया था उसकी कंडीशन क्या है, यानी देखिए अगर फैक्ट्री उसकी पहले सबसे पहले फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जहां से हमने क्या हासिल किया, कैल्केरियस से हासिल की है, यानी ये वाला जो रॉ मटेरियल हासिल किया है, एरिका से ये हासिल किया है, जहां से हमने मटेरियल हासिल किया उसकी कंडीशन क्या है, यानी ये तो नहीं है कि वहां पे नमी ज्यादा है, अगर नमी ज्यादा है तो वहां के वेट प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, अगर नमी कम है यानी वो है गर्म इलाका है तो फिर हम उसकी ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, क्यों, अगर वो वही जो अपना है नमी वाला इलाका है उसके लिए हम ड्राई प्रोसेस इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो पहले उसको फिर हमें खुश करना पड़ेगा, फ्यूल वहां पर कंजप्शन होगी, इसी वजह से ये फिजिकल कंडीशन है, रॉ मटेरियल की भी देखी जाती है कि वो फिजिकल कंडीशन क्या होती है। दूसरी बात है ग्लोबल क्लाइमेट कंडीशन, लोकल उस इलाके की आबोहवा जहां पर ये फैक्ट्री इंस्टॉल है वहां की आबोहवा कैसी है, लोकेलिटी उसको भी देखा जाता है,
तीसरी बात यह है कि हमारे पास अपना प्राइस ऑफ फ्यूल भी है, उसको भी देखा जाता है प्राइस ऑफ फ्यूल। अब देखें यहाँ पर हमारा पाकिस्तान में इसके फ्यूल की प्राइस ज्यादा होती है, जो अरब कंट्रीज है वहां पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल के बाद, वो अपना तेल की दवा से मालामाल है उनके लिए, उनके पास फ्यूल की कोई कमी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है बेटा, वैक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? वैक प्रोसेस। अब उसका फायदा क्या होता है वैक प्रोसेस का? लेकिन उसका फायदा होता है वैक प्रोसेस का हमें जब एक बेटा हमारे पास क्या होता है डस्ट नहीं होती, उससे डस्ट नहीं होती, यानी वो उससे हम जितना है देखिए देखिए अगर हमने मट्टी डाली है आमतौर पर आप देखिए रोड के ऊपर अगर थोड़ी सी भी मट्टी आती है तो कितनी जो है वो डस्ट ऊपर की तरफ उड़ती है पूरे जानों को, जब एक अगर ट्राली भी जो उतार रहे होते हैं मट्टी के देखिए इधर कितनी जो है वो मट्टी से फैल जाती है। ठीक है, तो वेट प्रोसेस में डस्ट फ्री होता है कि इसमें मट्टी वगैरह जो है वो अगर नहीं होती। दूसरी बात उसको ग्राइंडर के साथ किया जाता है, अब खुद पता लगेगा कि मट्टी है खुश्क है और एक मट्टी गीली है, तो खुश्क को जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा उसको तोड़ना, जो गीली है उसको हम अगर बड़े बड़े भी है उसके वो मौजूद है ब्लॉक उसमें भी मौजूद है तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक, यानी इजीली उसको अपना ग्राइंड आसानी से कर सकते हैं, यानी अगर वेट मटेरियल होगा। दूसरी बात है कंपोजिशन, उसमें हम कंपोजिशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ कि कौन सी चीजें हमने डालनी, कंपोजिशन देखिए कल गिरे कितना डालना है, ये मट्टी कितनी डालनी है, बेटा हर एक अलग अलग परसेंटेज होती है, इस चीज से हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ जी कि हम कौन सी चीज कितनी मिकदार में कितनी परसेंटेज पे हमने ये डालनी है। ठीक है बेटा, यानी हमारे पाकिस्तान में कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होता है? वैट प्रोसेस होता है। कितने प्रोसेस है? दो, ड्राई प्रोसेस और वैट प्रोसेस होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है तो फिर जो मिक्सर हासिल हुआ उसको पानी के अंदर उसने मिक्स किया तो वो उसको फिर वो हार्ड हो जाता है। ये अर्ली हिस्ट्री की बात कर, वैसे हमारे पास एक कैरियर सर और अर्ली सर है, इनको हम हीट करते हैं, ये सारी चीजें इसको हम हीट करते हैं, फिर इसको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है, ग्राइंडिंग होती है कि इससे जो है आगे फिर पैकिंग होती है, फिर मुख्तलिफ चीजें मिक्स की जाती है, कुछ चीजें इसमें से फिल्टर भी की जाती है, वो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन के बारे में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। Thank you.